और आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को डिप्टी सीएम ने राशि वितरित की है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में जहां 38,71,000 पीएम सीएम आवास योजना दोनों मिलकर के देने का काम किया गया है, इस योजना में जितने भी लाभार्थी हैं उनको अतिरिक्त शौचालय के लिए ₹12,000 देने का काम भी किया गया है। सौभाग्य योजना में उनके घर में बिजली लगाने का काम किया गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल का जल पहुँचाने का काम भी किया गया है। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब परिवार भी ₹5,00,000 तक का इलाज अपने परिवार के लिए किसी भी सदस्य के बीमार होने पर हो सके यह सुविधा भी प्रदान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आवास योजना में जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य था उसको तो पूरा ही किया है, लेकिन उससे बड़ा लक्ष्य ये हुआ कि जो दूसरे राज्यों के लक्ष्य थे, जहां भाजपा की सरकार नहीं थी डबल इंजन की, कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं गैर भाजपा सरकार थी, उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वहां के गरीबों को वंचित किया, तो उसमें से भी हमारे अधिकारियों ने भी प्रयास किया, मैंने भी बात किया और जहां अपने प्रदेश का जो लक्ष्य था उसे तो पूरा ही किया। लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त आवास हम दूसरे राज्यों को जो मिलना था वह भी हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लेकर के आए। इसके साथ ही हम लोगों ने जो सेंसेक्स 2011 की सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास योजना प्लस के लाभ